इंडिया के अंदर एक डिजिटल पेमेंट की ऐप है UPI, जो अब इंडिया तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरिशस में भी जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद वो फ्रांस में भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले फ्रांस के एक मिनिस्टर आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने वहाँ पर आके UPI ऐप को यूज़ किया और उससे बड़ा लुत्फानंदोज हुए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में अभी तक डिजिटल पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग अभी तक कैश यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया की जो UPI ऐप है वो पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा रही है। इसकी मेन जो रीज़न है वो है लिटरेसी। पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका इतना रुझान नहीं है, प्लस पाकिस्तान में बोगस निज़ाम है, फ्यूडल वही पुराना स्टेरियोटाइप सिस्टम है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। और डिजिटलाइजेशन जो है वो हर मुल्क के लिए नहीं बनी। इसकी एक मेन रीज़न ये है कि डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको सूद भी नज़र आता है, कई कंपनीज में मार्कअप भी आता है, और हम एक इस्लामिक स्टेट है और इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, इसलिए कोई फर्दर रिफॉर्म्स नहीं अभी तक आए। तो मेरा यही मानना है कि अगर उनके लिए UPI ठीक है तो वो उनके लिए ही है। अगर हम कोई रिफॉर्म्स लाते हैं, जैसे कि हमने वो एहसास डिजिटल बैंकिंग सिस्टम तकरीबन 2020 में लॉन्च हुआ था, उनका मैं नाम नहीं ले सकता जिनके दौर में हुआ था, तो वो चीज़ें आती रही हैं, लेकिन हमारी अवाम इतनी उनकी लिटरेसी रेट हाई नहीं है, इतना अभी इलम नहीं है इस मुल्क में कि उस चीज़ को वो कैरी ऑन कर सकें। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और हम अभी तक उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए, लाइक कह रहे हैं कि 1900 के हम ज़माने में रह रहे हैं, लोग जो हैं वो वक्त के साथ साथ बाशऊर हो रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं। लोग चाँद पर पहुँच गए, हमारा हमसाया मुल्क भारत चाँद पर पहुँच गया, लेकिन हम अभी तक आप देखें हम अपनी मुल्क के अंदर जो है वो बिजली का निज़ाम नहीं ठीक कर सके, लोगों के घर जो गैस आती थी अब तो वो भी आना बंद हो गई है। इसकी मेन रीज़न तो आप सबको पता ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसा कि आपने भी पीछे देखा भी है जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, इसके ऊपर कितनी दुनिया में सवालिया निशान उठे हैं कि ये इलेक्शंस लग नहीं थे रहे, ये सिलेक्शन थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के अंदर जब तक नहीं ख़त्म होंगी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी को का रुझान नहीं होगा, तब तक तो हम पीछे की तरफ ही जाएंगे, हमारा कोई सीन नहीं है कि हम आगे की तरफ बढ़ें। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, सब पूरी दुनिया खासकर हमारा हमसाया मुल्क भारत हम पे हंस रहा है कि किस तरह के इंतखाबात करवाएं जिसका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और PTI की अगर मैं बात करूं तो PTI के जो कारकुनान हैं वो नून लीग का मजाक उड़ा रहे हैं, डिफरेंट तरह की मीम सामने आ रही हैं कि सारी रात गिनते रहे पर वोट ना पूरे होए, मोए मोए, सुना होगा आपने कितना वायरल हो रहा है ये मीम। जी, ये जो भी है, जो भी निज़ाम है, जो भी सिस्टम है, ये पाकिस्तान की जड़ों में है और इसको ख़त्म करना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम इंतखाबात की तरफ पहले जा रहे थे तब इसके अंदर अड़चने कितनी आई, फिर इसको अगर करवाया गया तो किस तरीके से करवाया गया, और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट का तो पता ही है। ये प्योरली जो इसके अंदर इसके पीछे जो रीज़न है वो आप सबको इलम है, किसकी वजह से है, क्यों है, लेकिन हम इस चीज़ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि हम आम शहरी हैं। अलबत्ता अगर रिफॉर्म्स या नई गवर्नमेंट जो आनी चाहिए और वो बिल्कुल जमहूरी होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल मखलूत हुकूमत के ऊपर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता जो अब हमें बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी चली तो 1.5 से 2 माह चलेगी। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि एक दूसरे की खामियां एक दूसरे को उन्हें पता है, और वो खामियां पता होने की वजह से ना वो उनके साथ सही कैरी करेंगे ना वो इनके साथ, और इन्होंने इंतखाबात कैसे जीते हैं, इन्होंने एक दूसरे को गालियाँ निकाल कर ही जीते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अब मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे यकीन करना चाहिए, कोई भी और हमारा मुल्क हमारा साथ नहीं देगा जब तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे। इवन कांग्रेस वहाँ पर अमेरिका में इस वक्त कह रही है कि उन्होंने एक बिल पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाइडन से, वो कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत को, जो ये नई हुकूमत बने, इसको आपने नहीं मानना। तो ये फिर अगर नहीं मानेंगे तो कोई पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलेगा? फिर वही IMF के हमें धक्के खाने पड़ेंगे, सेम चीज़ बार 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 बार, 3 साल बाद 4 साल बाद 6 साल बाद, हुकूमतें नहीं सही स्टेबल नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी,
तो यहाँ पर कभी भी पाकिस्तान में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आज इंडिया जो है वो दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके मुल्क में सियासी इस्तकाम है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में आप देखें कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तकाम नहीं है और हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी में रहने के बावजूद भी हम साइंस, IT और एजुकेशन के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे तमाम के तमाम निज़ाम जो है वो बहुत सारे बहुत सीधा हो चुके हैं। और अगर अब हम बात करें डिजिटल पेमेंट की, तो अगर डिजिटल पेमेंट पाकिस्तान में अपनाई जाती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्राइम की जो शरह है वो भी कम हो जाएगी। नहीं, मुझे इस पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वो मुल्क है जहाँ पर अगर डिजिटलाइज कोई चीज़ स्टार्ट की जाए तो ये उसका भी कोई तोड़ निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता हो कुछ ऐप्स आती हैं, जैसे स्पॉटिफाई है, तो वो स्पॉटिफाई ऐप के भी ट्वीक ऐप्स आती हैं जिसपे आप फ्री स्पॉटिफाई यूज़ कर सकते हैं। तो इन इन लोगों पर और दुनिया का, वैसे भी आपको पता ही है कि दुनिया में पहला वायरस भी पाकिस्तानियों ने ईजाद किया था, तो दुनिया में जितना भी नेगेटिव एक्सपोजर जो क्रिएट किया गया वो पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर UPI जैसी कोई ऐप अगर पाकिस्तान में आए तो वो कोई खैर ख्वाही हमारे लिए लाएगी। इसलिए तो PayPal ने आने से पाकिस्तान ने मना कर दिया ना। जी, PayPal के बारे में सुना था कि वो 2022 में या 20 में वो पाकिस्तान में आने लगे हैं, जब तकरीबन 4 से 5 मिलियन फ्रीलांसर हो गए थे पाकिस्तान में, लेकिन अब उनका भी कोई सीन नहीं है। और वजह यही है कि वो देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, वही बात आ जाती है बार बार, हम एक ही बात को रट रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं, और अगर ये दोनों स्टेबिलिटियाँ नहीं तो फिर मुल्क में कौन आएगा कौन जाएगा, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुल्क को। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पाकिस्तान, मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखें इंडिया में एक भिखारी जो है वो भी QR कोड लेकर अपने साथ घूमता है पेमेंट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका रुझान बिल्कुल जीरो है। क्या वजह है कि इंडिया का एक भिखारी भी पाकिस्तान की आवाम से अकलमंद है? पॉलिटिक्स। जैसे कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की सियासत चलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। नून लीग होगी, वो कहेंगे जी इमरान खान ने गैर शरई निकाह किया, PTA वाले कहेंगे कि मरियम सफदर भाग गई, इसी तरह एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये पॉलिटिक्स नहीं होती, ये पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। मुल्क का फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं और इसी के लिए आगे चलते हैं। अपने फ़ायदे के लिए ये मुल्क को बेच भी देंगे, अपने फ़ायदे के लिए ये अपने दुश्मन से हाथ भी मिला लेंगे और किसी पे कीचड़ भी उछाल लेंगे। बिल्कुल सही बात की आपने, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हीं सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। डिजिटल पेमेंट्स का लोगों को पता ही नहीं है कि ये होती क्या है। अभी तक पाकिस्तान में लोग कैश कैरी करते हैं और कैश पे ही जो है यकीन रखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो UPI अब सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहा बल्कि श्रीलंका और मॉरिशस में भी UPI को लॉन्च किया जा रहा है ताकि जो इंडियंस वहाँ पर रहते हैं उन्हें घर जैसा माहौल मिले। यहाँ तक कि आपको पता है कि आईफिल टावर पे सबसे ज़्यादा इंडियंस जाता है और वो अपनी वहाँ पर जाने की टिकट्स भी जो है वो UPI के ज़रिए ख़रीदता है। बिल्कुल इसी तरह ना, आप देखें जब तक आप बदले से आगे बढ़कर अपना मुल्क का सोचेंगे नहीं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब इंडिया चांद पर पहुंच गया, हम किधर हैं? हम बस यही सोचते हैं कि हमने कर्ज़ा किससे लेना है, किसके ऊपर कीचड़ उछालना है, किससे कर्ज़ा लेना है और इस्लाम को कहां पर यूज़ करना है, कहां पर इस्लामिक टच देना है। बेसिकली हमारे मुल्क की बुनियाद जो थी वो इस्लाम पर रखी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सूद। जैसा कि आपको पता है सूद अल्लाह से जंग है, हम मुसलमान सूद ले ही नहीं सकते, लेकिन हमारा मुल्क आज 80% सूद के ऊपर चल रहा है। हम सूद लेते भी हैं और हम अल्लाह ताला ने ये खुद कहा है कि सूद लेने वाला मेरे साथ खुली जंग का ऐलान कर देता है। सूद ऐसे है जैसे मेरे साथ जंग। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा जो कि 80% सूद पर चल रहा है। भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जब आप डायरेक्ट अल्लाह से जंग कर रहे हैं सूद लेकर, तो आप आगे बढ़ कैसे सकते हैं? आप इंडिया को देखते हैं, वो चांद पर पहुंच गए, हम किधर पहुंचे? सिर्फ ये पुल बना लिए, मोटरवे बना लिए, तरक्की नहीं है, बिल्कुल तरक्की नहीं है। एज अ नौजवान, एज अ यूथ, आप पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और पाकिस्तान इन 70 सालों में नौजवान नस्ल के लिए कुछ किया है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया देखें अपनी नौजवान नस्ल को कितना मैच्योर कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नौजवान जो है वो आज बेयारो मददगार है। ना उनके पास अच्छी एजुकेशन है और ना ही अच्छी नौकरी। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए आज तक मुझे नहीं लगता कुछ किया। मैं एक स्टूडेंट हूँ, 20 साल का हूँ, मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, अपनी जिस एजुकेशन के एक्सपेंस भी खुद उठा रहा हूँ। अगर यही गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया होता
तो हम भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते, जॉब करने की जरूरत ना पड़ती। और जिस तरह पाकिस्तान में आईटी के लिहाज से तो बिल्कुल नील पे चल रहे हैं हम, और इंडिया में अगर आप देखें कंपैरिजन करें तो वहाँ के 16 साल से लेकर 24 साल के लड़कों के लिए इतनी आईटी की स्किल्स उन्होंने फ्री कोर्सेज करवाते हैं वो, ताकि उनका मुल्क ग्रो करें। और यहाँ पर क्या करवाते हैं, लंगर खाने खोल दी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मोटरवे बना दी, मेट्रो बना दी उन्होंने स्टूडेंट के लिए, ये किया है कि मेट्रो बना दी है, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जहाँ पे जो लो तबका है मिडिल क्लास है वो जाकर अपनी इल्म हासिल कर सके। और अपने मुल्क के लिए बेसिकली हमने पढ़ना है ना, हमने इनके लिए तो नहीं पढ़ना, अगर हम पढ़ेंगे यूथ पढ़ेगा तो मुल्क ही तरक्की करेगा ना।